करता हूँ दोस्तों, मैं नितेश गुप्ता, आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से गूगल एड्स में, जो गूगल एडवर्ड्स है, कितने तरीके के उसमें एड्स होते हैं, पेड एड्स, और आप कैसे उनको चला सकते हो, क्या उनका यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव क्या और आपको कौन से एड का इस्तेमाल करना है। तो कोई भी एड चलाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उस एड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और उसका मकसद क्या है। तो दोस्तों आज कितने तरीके के एड्स होते हैं और उनका क्या यूज होता है, मैं आपको इस ट्यूटोरियल में अच्छी तरह समझाऊंगा। तो आइए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, तो कोई भी ऐड बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए उस ऐड को बनाने का क्या फ़ायदा होगा और क्यों बनाना है। तो सबसे पहले आप अपने गूगल एडवर्ड अकाउंट में लॉगिन करेंगे। अगर आपका गूगल एडवर्ड अकाउंट नहीं है तो आप प्लीज़ वो क्रिएट कीजिए। हमने ट्यूटोरियल दे रखा है हमारे चैनल में और इसके डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे रखा है, तो वहाँ से आप अकाउंट क्रिएट करना सीख सकते हैं गूगल एडवर्ड का। और दोस्तों हमारे इस वीडियो में प्लेलिस्ट भी हमने दी हुई है, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी, हमारे आई कार्ड्स और एंड स्क्रीन पे भी। उस प्लेलिस्ट पे मोर देन 20 वीडियोस हैं गूगल एड्स के ऊपर, जिससे कि आप काफ़ी कुछ मैक्सिमम सीख सकते हैं गूगल एडवर्ड्स के बारे में और उसको एड्स चलाना बनाना सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे हमने गूगल एडवर्ड्स में लॉगिन करा तो हमें कैंपेन्स का जो है सेक्शन है वहाँ क्लिक करेंगे हम। जब हम वहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट कैंपेन के लिए एक प्लस का निशान आता है। न्यू कैंपेन पे जाएंगे। न्यू कैंपेन पे जाते देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए ऑब्जेक्टिव की। मेरा ऑब्जेक्टिव सेल है, लीड है, वेबसाइट ट्रैफिक है, प्रोडक्ट और ब्रांड कंसिडरेशन है, ब्रांड अवेयरनेस है, ऐप प्रमोशन है, या विदाउट अ गोल हमें काम करना है। तो हम जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही देखिए हम यहाँ पर नीचे आए। अब ये हैं वो एड्स जो हमें अलग अलग तरीके और अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनाने होते हैं, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो होता है या हमारा प्रोडक्ट सर्विस सेल होती है या लीड आती है। तो पहले ऐड की हम बात करेंगे जो सबसे कॉमन, सबसे इम्पॉर्टेंट एड्स में से एक है, जो कि है सर्च एड्स, जिसको हम गूगल एडवर्ड्स भी कहते हैं, जिसको हम गूगल PPC पे पर क्लिक कैंपेन भी कहते हैं, इसको हम सर्च कैंपेन भी कहते हैं। दोस्तों सर्च कैंपेन के ऊपर हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में भी पूरा ट्यूटोरियल दे रखा है, आप बनाना सीख सकते हो, और हमारी प्लेलिस्ट में भी है, आप वहाँ से भी सीख सकते हो। तो सर्च कैंपेन क्या होता है और कैसा दिखता है मैं आपको शो करता हूँ। ये जैसे कि दोस्तों हमने कुछ भी सर्च करा, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, कोई भी पर्सन कोई भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्च करता है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर एड्स हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं PPC एड्स, पे पर क्लिक या सर्च एड्स। तो ये हम उस तरीके से बना सकते हैं और इसमें क्या होता है, एक पेज के ऊपर 4 एड्स मैक्सिमम टॉप में शो हो सकते हैं, और जब हम बॉटम में जाएंगे तो बॉटम के अंदर मैक्सिमम 3 एड्स शो हो सकते हैं। तो एक गूगल के सर्च पेज के ऊपर 7 सर्च एड्स ही शो हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्च एड्स है, सर्च एड है या PPC एड इसको कहते हैं। ठीक है, इसको बनाने का ट्यूटोरियल हमने दे रखा है प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट हमारी पूरी देखेंगे, सीख सकते हैं कैसे बनाएं सर्च एड्स। अब आते हैं सेकंड, डिस्प्ले एड के ऊपर। अब दोस्तों डिस्प्ले एड्स होते हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट बैनर या कोई भी हमें एड दिखता है जो कि जिसमें हमें उसकी इमेज दिख रही है, ऑफर दिख रहा है, तो वो डिस्प्ले एड के अंदर आता है। अब डिस्प्ले एड्स भी दोस्तों कई तरीके से बनते हैं। डिस्प्ले एड कॉस्ट पर इम्प्रेशन के हिसाब से भी बनता है कि एड दिखा और पैसा कट गया। एक होता है कॉस्ट पर क्लिक CPC, जिसमें कि हमारा डिस्प्ले एड पे कोई हमारा एड देख तो रहा है बट जब तक क्लिक नहीं करेगा पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, उसके अलावा इसके लिए हमें डिफरेंट साइजेस चाहिए होते हैं, बिकॉज गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क पे उसके पार्टनर साइट्स पे अलग अलग साइजेस के एड्स दिखते हैं, कैसे दिखते हैं मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उसके लिए हमें ऐड डिज़ाइन कराने पड़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, अच्छा कंटेंट, अच्छा डिज़ाइन, और फिर हम डिस्प्ले ऐड बना सकते हैं। और इसके अलावा हम कीवर्ड के हिसाब से भी डिस्प्ले ऐड बना सकते हैं कि कोई ये सर्च कर रहे हैं तो हमारे ऐड्स उसको दिखें,
हम प्लेसमेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं कि कोई यूट्यूब पे इस पर्टिकुलर चैनल को या चीज़ को टॉपिक को सर्च करे तो हमारा ऐड दिखे, कोई इस तरीके के पोर्टल या ऐप पे जाए तो हमारा ऐड दिखे। तो इस डिस्प्ले ऐड ब्रांड अवेयरनेस के लिए, प्रोडक्ट सर्विस प्रमोशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऐड है दोस्तों। अब वो दिखता कैसे, जैसे कि हम आए क्विकर पर। अब क्विकर एक पोर्टल है, ठीक है, क्विकर की ऐप भी है और भी बहुत सारी ऐप्स पोर्टल्स ऐसे ही हैं। यहाँ पर ये जो आपको ऐड दिख रहा है इस कंपनी का, ये देखिए यहाँ पर एड्स बाय गूगल आ रहा है, दिस इज अ डिस्प्ले एड। तो ऐसे बैनर्स हमें डिज़ाइन करने पड़ते हैं। अब हम यहाँ पर आए, देखिए यहाँ पर भी हमें एक ऐड दिख रहा है, ये भी गूगल एडवर्ड से चल रहा है, ये भी देखिए उससे चल रहा है। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम ऐड प्लेस कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, कॉस्ट पर इंप्रेशन के हिसाब से पे कर सकते हैं, कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से पे कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्प्ले एड। इसके ऊपर मैंने दो तीन ट्यूटोरियल दे रखे हैं और उन ट्यूटोरियल्स को भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सीख सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्च ऐड के अंदर एक और ऐड होता है क्लिक कॉल ओनली ऐड। तो कॉल ओनली ऐड क्या होता है, मोबाइल पे ही आता है, मोबाइल पे ही जब कोई, जैसे जब हम सर्च करते हैं मोबाइल पे कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, और सर्च करते ही हमें ऊपर पेड एड्स दिखने शुरू हो जाते हैं पीपीसी। उसमें कईयों में तो हम वेबसाइट पे क्लिक करके जा सकते हैं, बट कई पे सिर्फ फ़ोन का बटन बना होता है, उस पर हम क्लिक करके कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके एड्स भी कैसे बनते हैं मोबाइल के लिए, वो भी हमने ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में दे रखा है, वो भी सीख सकते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐड है। अब हम आते हैं थर्ड ऐड पे, शॉपिंग ऐड के ऊपर। अब दोस्तों शॉपिंग ऐड भी जो, या एक तो शॉपिंग ऐड में हमारा ये कैंपेन यूज़ होता है, प्लस मर्चेंट अकाउंट गूगल का हमें यूज़ होता है, जहाँ पर हम फीड वगैरह अपनी सब बनाते हैं। तो हमने शॉपिंग ऐड क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आप देखिए, जब भी कोई गूगल पे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए सर्च करता है, कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए सर्च करता है, तो गूगल के वेबसाइट, गूगल के खुद के सर्च इंजन पे और गूगल की पार्टनर साइट्स पे इस तरीके के एड्स शो होते हैं। आप देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड एड्स। तो यहाँ पर इमेज भी डिस्प्ले होती है, वेबसाइट भी आती है और प्राइस भी आता है, तो इसको शॉपिंग एड्स कहते हैं। अगर आप चाहते हो गूगल पे आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, सेल बढ़ानी है, तो आपको शॉपिंग एड्स चलाने पड़ेंगे। इसके लिए मर्चेंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो हमने मर्चेंट अकाउंट और गूगल शॉपिंग एड्स के ऊपर वीडियो बना रखा है, एक एक स्टेप से सिखा रखा है किस तरीके से आप शॉपिंग एड बना सकते हो, अपनी सेल बढ़ा सकते हो, वो भी हमारी प्लेलिस्ट में है, आप वो भी सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने तीसरे चौथे ऐड के ऊपर, वीडियो ऐड। अब दोस्तों वीडियो ऐड इज़ वन ऑफ द बेस्ट एड्स। अगर आपको कस्टमर को एंगेज करना है, आपको अपने कोई प्रोडक्ट सर्विसेज वायरल करने हैं, आपको अपना कोई वीडियो वायरल करना है, अपने आपको पब्लिसिटी करनी है, तो आपको वीडियो एड्स चलाने पड़ते हैं। तो इस कैंपेन के थ्रू आप गूगल पे, गूगल पार्टनर, यूट्यूब पे और उसके अलावा भी जितने भी गूगल के ऐप पार्टनर पोर्टल वगैरह हैं, वहाँ पर भी जहाँ पर वीडियो मार्केटिंग चल सकती है, वहाँ पर आप इसके थ्रू ऐड चला सकते हैं, क्योंकि सब गूगल एडसेंस से कनेक्टेड हैं, गूगल के नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, तो आप वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं। अब वीडियो किस किस तरीके से चलती है मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके अंदर भी तीन तरीके के ऐड होते हैं दोस्तों। अब जैसे ये जो मैं आपको ऐड दिखा रहा हूँ, ये डिस्कवरी ऐड है। डिस्कवरी ऐड में क्या होता है, जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, सर्च करने पे उससे रिलेटेड जो ये ऐड हमें गूगल शो करता है, ये पेड ऐड होते हैं, इसको डिस्कवरी या ट्रू व्यू एड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक डिस्कवरी ऐड एक तो इस तरीके से दिखता है, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा इस तरीके से दिखता है, देखिए यहाँ पर ये यह दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको डिस्कवरी एड्स कहते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे हम डिस्कवरी ऐड चला सकते हैं अगर हमें अपने वीडियोस प्रमोट करने हैं, और ये स्पेसिफिक सर्च कोई करेगा तभी, ये हम चाहते हैं कि इस तरीके से रिलेटेड चीज़ कोई सर्च करे तो ही हमारा ऐड आए, तो सबसे बेस्ट ऐड डिस्कवरी ऐड होता है। अब हम आते हैं दोस्तों प्री रोल या इंस्ट्रीमेट्स पे। प्री रोल इंस्ट्रीमेट क्या होता है, जब भी आपको यूट्यूब वीडियो देख रहे होते हो तो आपका 5 सेकंड का एक वीडियो आता है जो आप स्किप कर सकते हो, वो आपको स्टार्टिंग में भी आता है वीडियो के, जैसे कि देखिए इस पे आ रहा है। ठीक है, ये वीडियो यहाँ पर ये चल रहा है, तो अब इसको प्री रोल इंस्ट्रीम वीडियो कहते हैं, और ये कभी कभी वीडियो मिड में भी आते हैं, तो इनको हम प्री रोल इंस्ट्रीम वीडियोस कहते हैं। इस पे अगर हमें कोई चीज़ प्रमोट करनी है, तेज़ी से उसका प्रमोशन करना है, पब्लिक को दिखाना है, तो इंस्ट्रीम और प्री रोल वीडियोज़ बहुत कारगर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो
इसका वीडियो भी हमने कैसे पूरा आप वीडियो बना सकते हो, अपने ऐड चला सकते हो, हमने अपनी प्लेलिस्ट में दे रखा है और हमारे यूट्यूब चैनल में भी टॉप गुरुज में भी सारा का सारा है ये वीडियोज आप देख सकते हो। तो दोस्तों और ये हो गए हमारा इंस्टेंट प्री रोल एड्स। और दोस्तों बम्पर ऐड क्या होता है, बम्पर ऐड भी इसी तरीके से ही होता है, ऐसे वीडियो प्ले होती है बट वो नॉन स्किपेबल होता है, वहाँ स्किप का ये वाला ऑप्शन नहीं होता है। अब जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा, अब पैन साके के बाद देखो यहाँ स्किप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो ये इंस्टिम और प्री रोल है। बट अगर यहाँ पर 5 सेकेंड ऐड चला और स्किप का कोई ऑप्शन नहीं है तो वो बम्पर एड्स होते हैं, वो स्किप आप कर ही नहीं सकते, वो आपको 5 से 6 मिनट का देखना ही देखना होता है, दैट इज बम्पर एड। तो इस तरीके से 3 तरीके के यूट्यूब पे आप ऐड चला सकते हो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे एड्स कैसे बनाए जाएंगे, सारे ट्यूटोरियल हमारी प्लेलिस्ट में भी, हमारे चैनल पे भी आप वहां से सीख सकते हो दोस्तों। 5वें तरीके का ऐड होता है ऐप का डाउनलोड का। अब इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जो गूगल का सर्च या डिस्प्ले नेटवर्क होता है या गूगल का प्ले स्टोर होता है या गूगल का यूट्यूब होता है। अब जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये फॉर एग्जांपल एक ऐड है और ये मोबाइल पे आ रहा है। अब ये एक ऐप का अगर ऐड हमने बनाया है और ये मोबाइल पे है तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम अपने मोबाइल में डायरेक्ट ऐप डाउनलोड के ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप ऐप डाउनलोड एड्स चला सकते हो मोबाइल्स पर, और वो आप पोर्टल्स पे भी चला सकते हो, मोबाइल ऐप्स पे भी चला सकते हो, डिस्प्ले नेटवर्क पे भी चला सकते हो। आप यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब में भी आपको कोई एड्स दिखते हैं, ठीक है, और वो एड्स जैसे यहाँ पर अगर कोई आपको ऐड दिख रहा है यूट्यूब के दौरान, तो वहाँ पर अगर आप देखो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐप का आ गया, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा अपने मोबाइल पर तो वो हमारी ऐप डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने ऐप डाउनलोड के एड्स भी चला सकते हो मोबाइल पे, डिस्प्ले नेटवर्क पे और यूट्यूब वगैरह पे, जिससे कि आप अपनी ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सको और अपनी ऐड डाउनलोड करा सको और अपने सब जो यूज़र्स हैं वो बढ़ा सको। तो अब दोस्तों ये जो हमारा 6th ऐड है, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों एक ऐप ऐड के अंदर और भी होता है, अगर आप ऐप का डाउनलोड का ऐड चलाते हो तो वो गूगल प्ले पे भी शो होता है। तो गूगल प्ले पे भी आपका सजेस्टेड फॉर यू के अंदर आएगा, जो जहाँ पर आप लोग पे करते हो और अपने ऐड चलाते हैं तो सजेस्ट करता है वो आपकी वीडियोस, और कोई डाउनलोड लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करते हैं अगर आपका ऐड जो ऐप है उनके लिए सुटेबल है और वो उसमें इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों हमारा 6th जो ऐड है वो स्मार्ट ऐड के नाम से है। दोस्तों जनरली स्मार्ट ऐड में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसका ऐड है जो यूज़ होता है वो है स्टोर विजिट ऐड। अब स्टोर विजिट ऐड क्या होता है दोस्तों, स्टोर विजिट ऐड है कि फॉर एग्जांपल हमारे 4-5 स्टोर्स हैं या हमारा कोई स्टोर है, अब उसका पर्टिकुलर हम ऐड चलाना चाहते हैं तो वो हम क्रिएट करते हैं इस पे गूगल पे, और वो ऑलमोस्ट वैसा ही दिखता है जैसा PPC ऐड या सर्च ऐड दिखता है, वैसा ही स्टोर विजिट ऐड भी शो होता है, बट वो मैप के ऊपर काम करता है, इट वर्क्स ऑन मैप, ठीक है। तो उसमें हम लोकेशन और मैपिंग वगैरह ये सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं और वो भी कीवर्ड के हिसाब से ही सर्च होता है। दोस्तों इसका ट्यूटोरियल भी स्टोर विजिट ऐड गूगल पे कैसे बनाएं हमने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखा है, हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप स्टोर विजिट गूगल ऐड भी हमारे चैनल से सीख सकते हो। तो ये दोस्तों बहुत सारे तरीके के एड्स हैं जो कि गूगल पे आप अपने ऑब्जेक्टिव अपने काम के हिसाब से बना सकते हो। ये मैंने आपको आज क्लियर करा कितने तरीके के ऐड हैं, उनका क्या यूज़ है, प्लस इन सब के ऊपर हमने ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं जो आप हमारी प्लेलिस्ट और हमारे यूट्यूब चैनल से जाके सीख सकते हो, और आप एक गूगल मार्केटिंग या आप एक्सपर्ट बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और प्रोफेशनल बन सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हमने सीखा कि गूगल एडवर्ड्स में या गूगल एड्स में कितने तरीके के एड्स होते हैं और उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आप उन एड्स को चलाना सीखना चाहते हैं तो भी मैंने ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल में दे रखे हैं, जिससे कि आप एक डिजिटल प्रोफेशनल बन सके और आपको गूगल के हर तरीके के और अदर अदर जितने प्लेटफॉर्म से उनके एड्स चलाने आए। तो आप हमारे सारे ट्यूटोरियल्स को देखिए और उनसे सीखिए किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग में एड्स चला सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हम आप तक अपने लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स पहुंचा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडा।